गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि आपको पता है, होली आने वाला है। होली पे यदि आप इस टाइप के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफी ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकता है। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले एक वीडियो शूट कर लेना है कुछ इस तरह से। वीडियो जब भी आप शूट करेंगे तो आपके वीडियो में 80 से 90% बाद आपको यहाँ पे आसमान दिखना चाहिए, जिस प्रकार इस वीडियो में दिख रहा है। वीडियो आपको कुछ इस तरह से ही शूट करना है। जब आपका वीडियो शूट हो जाएंगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक गर्ल वीडियो का लिंक और एक होली इफेक्ट वीडियो का लिंक दिया हुआ है, दोनों को आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है और साथ में काइन मास्टर एप्लीकेशन का भी। इसके बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और इसके बाद जो आपने वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। इसमें जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। यदि राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का भी लिंक दे रखे हैं। वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पे आपको मल्टीप्ले सेलेक्ट कर लेना है और ओपिसिटी को कुछ आपको 65 के आसपास आपको कर देना है। इसके बाद डन करना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपको इसे जूम कर सही से एडजस्ट कर देना है। तो अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है, लास्ट का एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का भी लिंक मैंने दे रखा हूँ, वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से वीडियो हमारा ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट हो रहा है। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे, इसे प्रेस करके रखेंगे, लास्ट तक हमें लेकर आ जाना है। इस ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को लेयर पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से आपको इसे आपको जूम कर देना है, कुछ इस तरह से। इसके बाद डन करना है और इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, क्रोमा की पे क्लिक करेंगे और क्रोमा की को आपको सिर्फ इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद डन कर देना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा और फाइनली हमारा वीडियो तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को बंद कर देना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। शेयर पे क्लिक करना है और HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक साउंड लिंक भी दे रखा हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।